बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा हाल ही में मां बनी हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी थी, जिस पर उनके फैंस ने खुशी जताते हुए उन्हें ढेरों बधाई दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रियंका की मां बनने की भविष्यवाणी 2 साल पहले ही हो चुकी थी, जो अब चर्चा में आ गई है। इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी शादी से 13 साल पहले ही इसकी भी भविष्यवाणी हो चुकी थी। ये भविष्यवाणी किसने की, इस बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल एनएन बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। इसके साथ ही आपको यहां दिख रही घंटी भी बजानी है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको याद होगा कि साल 2019 में ये अफवाह उड़ी थी कि प्रियंका प्रेग्नेंट है, जो उस समय काफी चर्चा में रही थी। उस दौरान एक पत्रकार ने न्यूमरोलॉजिस्ट संजय बी जुमानी से बात की थी, जिस दौरान उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि वो अभी नहीं बल्कि अगले 2 साल में मां बनेंगी। जुमानी ने हाल ही में बताया कि हाँ, उन्होंने लगभग 2 साल पहले भविष्यवाणी की थी कि प्रियंका चोपड़ा अगले 2 साल में मां बनेंगी। सरोगेज के प्रेग्नेंट होते ही प्रियंका ने न केवल मातृत्व को अपनाया, बल्कि इससे भी अहम ये रहा कि उनकी भविष्यवाणी के निर्धारित समय में हुआ। जुमानी आगे बताती हैं कि इसके अलावा वे दोनों की शादी के 13 साल पहले फिल्म फेयर मैगजीन में निक के साथ प्रियंका की शादी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी करने वाले थे। इस भविष्यवाणी पर अविश्वास किया जा सकता है, क्योंकि ये काफी समय पहले की गई थी, जिसके बाद आज गूगल पर भी वही मौजूद है। बता दें कि जुमानी ने उस दौरान प्रियंका को लेकर कहा था कि वे राजनीति की ओर इच्छुक हैं, जिस पर वो आज भी कायम हैं। उनका मानना है कि मील का पत्थर साबित होने वाली उपलब्धियां उनके न्यूमेरोस्कोप से ही देखी गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे इस समय के लिए काफी एक्साइटेड थे और एक बार फिर हैं, उन्हें न्यूमरोलॉजी के विज्ञान पर गर्व है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।